हेलो गाइस, तो मैं हूँ ट्रिपॉडमैन और आप देख रहे हैं मेरे व्लॉगिंग चैनल का फर्स्ट वीडियो। तो मैंने जो सोचा कि फर्स्ट वीडियो में क्या बनाया जाए, तो मुझे आइडिया आया कि मैं अपनी नानी का घर आपको दिखा दूँ, क्योंकि सीरियसली विलेज में जैसे घर होते हैं वैसी मेरी नानी का घर नहीं है। बहुत ही ये मेंटेन्ड घर है और यहाँ पे वैसे तो पुराने वाले घर में मेरी नानी के ज़्यादा मज़ा आता था, लेकिन मेंटेन की बात करें तो ये वाला घर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और गाइस, पहली झलक चलिए आपको दिखा देते हैं, ये है मेरी नानी का घर। गाइस, अगर अपनी दादी या नानी के घर जाते होंगे तो आपको बहुत मज़ा आती होगी, और ये हर बच्चे के साथ होता है, मेरे साथ ही होता है क्योंकि मैं भी अभी बच्चा ही हूँ। और इधर साइड आप देख सकते हो कि लीची का ट्री भी है जो कि मेरे मामा ने लगाया हुआ है। हालांकि अभी ये पूरी तरह से ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन जब ये ग्रो हो जाएगा तो काफ़ी कमाल का लगेगा। और लीची तो एकदम आपको पता ही है कितनी टेस्टी होती है, और कम ही सीजन ऐसा होता है जब पूरी लीची अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है और हम उसे खा पाते हैं। तो चलिए फिर आपको नानी का घर दिखाते हैं। और बाकी आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ आम का भी पेड़ है, फिर लीची का भी पेड़ है, और जो विलेज है ना हमारा बहुत ही खूबसूरत है। अभी तो हमारा जो घर बना हुआ नानी का वो विलेज से थोड़ा अलग है, तो आप कभी दिखेगा नहीं, बाकी मेन विलेज वो है जिधर आप देख सकते हैं। चलिए फिर आपको अंदर ले चलते हैं। गाइस, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरे मामा ने गाड़ी खरीदी थी, नई वेन्यू, अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, मेरी ठंडी में खरीदी थी, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। और वाकई कमाल की गाड़ी है, आपको भी खरीदनी चाहिए अगर आप खरीदो तो, मेरे ख्याल से मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। और इधर साइड आप देख सकते हैं कि मेरी मम्मी और दादी बैठी हुई हैं, नानी सॉरी। तो नानी को कभी कभी आदत है कि वो घर में ही मास्क लगाती है, क्योंकि आपको पता है COVID-19 का टाइम चल रहा है और आपको भी मास्क लगाना चाहिए। अंदर चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरी नानी के घर का बना। तो अभी नानी का घर नहीं बोलते हैं, घर बोलते हैं, क्योंकि नानी का घर काफ़ी बोलते जाएगा। ये बरामदा, और हम लोग जब शाम में जाती है तो पहले तो वहाँ पे जो चार दीवारियाँ कहते हैं कि चार दीवारी के अंदर का जो स्पेस होता है सब घरों में रखा जाता होगा, अगर चार दीवारी होती होगी। और यहाँ पे नानी और मम्मी बैठी हुई है, और जब थोड़ा और शाम हो जाती है यानी कि 8 बज जाता है या फिर 7 o'clock होता है, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़े मच्छर वगैरह लगते हैं, ऐसा कुछ होता रहता है। तो फिर चलिए अंदर चलते हैं, बरामदा तो इतना ही है। तो सबसे पहला जो रूम है वो मेरे नाना का है, तो ये नाना का रूम है, और यहाँ पे गेस्ट आते हैं अलग, जैसे कि किसी को रुकना रहता है तो उसके लिए अलग रूम नाना जी ने बनवाया हुआ है, लेकिन कोई ऐसा गेस्ट आता है जो कि तुरंत अभी थोड़ी देर में जाने वाला रहता है, थोड़ी देर में रहता है, तो वो यहीं पे होता है। ये नाना जी ये का कमरा है वैसे, लेकिन गेस्ट रूम भी इसको आप कह सकते हो। फिर आ जाते हैं, फिर चलो मेरे रूम में जब मैं नानी के यहाँ आता हूँ या फिर मेरा कोई भी भाई आता है, कोई ऐसा कह जो कि रुकने वाला, तो नाना जी ने ये वाला कमरा उन लोगों के लिए बनाया हुआ है। देख सकते हो मेरा यहाँ पे सामान है, वो मेरा बैग है और टूल किट मेरा। तो यहाँ पे हम बहुत मज़ा करते हैं, क्योंकि जब आपको अपना रूम मिल जाए और फिर खेलने के लिए टाइम मिल जाए और स्पेस मिल जाए, खासकर ये तो विलेज ही है, तो ये सब तो हमें मिलेगा ही, तो इसलिए काफ़ी मज़ा आती है। तो नानी का घर तो वैसे नानी का रूम भी है, लेकिन नानी एग्जैक्टली यहाँ पे सोती है, और मेरी दीदी जो है जो कैमरा मैन है वो भी वही रूम के साथ सोता है। ओके ठीक है, तो अभी सबसे पहले आपको नानी का घर दिखाएंगे, लेकिन वो अभी जो लास्ट में है, अभी आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। एक झलक ये देखो, यहाँ पे पहले तो मामा जी का मन था कि यहाँ बाथ टब लगाया जाए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो लग नहीं पा रहा। और ये अभी आप देख सकते हो कि शावर लगा हुआ है, शावर सजाने के लिए काफ़ी मज़ा आती है, तो मैं जब भी नहाता हूँ शावर से ही नहाता हूँ, बाद में नहाना ज़्यादा पसंद तो नहीं है, लेकिन शावर इतना कमाल का है, मुझे बहुत मज़ा आती है नहाने में। फिर चलते हैं हम लोग किचन की तरफ। ये है मेरी नानी का किचन, और नानी का किचन इसलिए लाजवाब है क्योंकि नानी के खाने ही बहुत अच्छे होते हैं। नानी के पेड़े अगर आप खा लो ना, तो फिर तो कहीं की भी मिठाइयाँ भूल जाओगे, और इसीलिए मुझे नानी यहाँ पसंद है, क्योंकि नानी अच्छे अच्छे डिशेज भी बना के खिलाती हैं, और फिर नानी जो होती है पानी प्यारी सॉरी। फिर ये फ्रिज है, और वैसे मेरे मामा जी का भी कमरा है, लेकिन मेरे मामा है नहीं तो मैं अंदर नहीं जा सकता बिना पसंद। और यहाँ पे है भगवान।
हनुमान जी और मंदिर भी कह सकते हो। वैसे इसमें सामान ज़्यादा रखे होते हैं, आप आशीर्वाद ले सकते हैं वहाँ से। ये है मंदिर नानी के घर का, और फिर आप देख सकते हैं कितना सामान रखा हुआ, इसीलिए नानी यहाँ पे नहीं सोती, वहाँ पे सोती है। और ये एक तरह से ये सामान रखने वाले रूम आप कह सकते हो, मेरी स्टोर रूम तो नहीं कहूँगी क्योंकि वहाँ पे वेस्ट थोड़े वेस्ट मटीरियल रखे जाते हैं, तो वेस्ट मटीरियल तो नहीं है। बाकी मामा ने दो वॉशरूम बनाया हुआ है, इंग्लिश वॉशरूम और एक हिंदी, तो इट वॉज इंग्लिश एंड ऑन अपोजिट साइड इट वॉज हिंदी। ओके बोलते वाली मैंने इसलिए कर दिया था क्योंकि मैं थोड़ा थक गया था बोलते हुए। फिर अभी आप देख सकते हो मैं हम लोग जा रहे हैं छत, छत तो खास नहीं है लेकिन छत से दिखने वाला नजारा बेहद ही खूबसूरत है। और आप चलिए फिर आपको एक एक कोना कोना दिखाते हैं हमारे छत का, क्योंकि कोने कोने ब्यूटीफुल है इन आवर विलेज। ठीक है, देख सकते हो ये खेत वगैरह हैं जो कि हर गांव में होते ही हैं, और यहाँ मेरे नाना जी का भी खेत है, मुझे पता तो नहीं है एग्जैक्टली कि कहाँ पे है, लेकिन देख सकते हो नीचे थोड़ी सी खेती भी हुई है, मे बी ये भिंडी की है, मुझे इतना याद तो नहीं लेकिन मामा जी ने शायद भिंडी का ही कहा। ओके, तो आप वहाँ से मेन विलेज देख भी सकते हो, वहाँ थोड़े बच्चे भी खेल रहे आपको दिखेंगे तो नहीं, तो कितना ऑसम भी लगता है, यहाँ पे हम फोटो शूट भी करा सकते हो, कई बार करवाते भी हैं। तो फिर वहाँ पे चल के देखते हैं कि वहाँ पे कैसा लगता है, उधर साइड रोड है जहाँ से हम लोग आते हैं। ठीक है, ओके गाइस, ये है रोड और यहाँ पे काफ़ी लोग अभी आ भी जा भी रहे हैं, और हम लोग उधर साइड से मे भी आते हैं, मुझे उतना याद तो नहीं है लेकिन शायद उधर से ही हम लोग आते हैं। फिर आ जाओ, फिर यही है मेरा छत और इसके ऊपर टंकियाँ वहाँ देख सकते हो, उसके ऊपर हम लोग लाने के लिए कोई चीज़ तो बनी नहीं हुई है, लेकिन सीढ़ी वीढ़ी लगा के मामा लोग चल जाते हैं कि टंकी में पानी गिरता है चेक करने के लिए। तो चलो फिर, ये मेरी नानी का घर है और आपको बता दूँ कि मेरी नानी का जो पुराना घर है, अगर आपको पहली बात तो मेरी नानी का घर कैसा लगा कमेंट डाउन ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे लाइक करोगे तभी हमें पता चलेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं और हम और एंटरटेनिंग वीडियोस बना सकेंगे। तो फिर वैसे मेरी जो नानी का पुराना घर है वो काफ़ी अच्छा है और वहाँ के किस्से भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो अगर आप कमेंट करो तो मैं उस वाले घर का भी वीडियो बना दूंगा, आई विल ट्राई, और वहाँ के किस्से भी ज़रूर कोशिश करूँगा कि जब मैं आपको विजिट कराऊँ व्यू करवाऊँ तो वहाँ के किस्से भी आपको बता सकूँ, और वहाँ थोड़ा सा स्कैरी वाला भी फीलिंग भी आता है क्योंकि पीछे साइड थोड़ा जंगल है, वहाँ नानी कहती हैं कि ये है वो है, वैसे तो हर विलेज में होता ही है, नानी दादा भूत की कहानी सुनाते रहते हैं, तो मेरी नानी ने भी सुनाया था कुछ स्टोरीज, तो इस वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा लेकिन अगर आप कहो तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलो गाइस, फिर मिलते हैं आप अगली वीडियो में, और बाकी तब तक के लिए बाय।